स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में, रिलेटिव्स में जो कोई भी डेटा साइंस की तैयारी कर रहा है, ये क्लास उसको भी शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग टाइट्रेशन एंड सोज। मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं क्रीम का, तो CO2 जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके टाइट्रेशन शो करती है और क्या होता है उसे, क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, फिर कोई चेंजमेंट नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले तो समझ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई क्रीम है या कोई प्रोडक्ट है, उसमें अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो एसिडिटी को कम करने के लिए, मतलब उसका लेवल सेम करने के लिए कोई भी न्यूट्रलाइज़र जो है वो ऐड करते हैं, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ न्यूट्रलाइज़र। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज़र यूज़ करते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम, तो CO2 जो है वो रिएक्शन करके CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाई एसिडिटी शो करता है। होता क्या है, CO2 जो है ये फ्रेश क्रीम में ऑलरेडी कुछ मात्रा में होता है, डिसॉल्व CO2 हमेशा ही होता है, जो फ्रेश क्रीम होती है डिसॉल्व CO2 हमेशा होता है कुछ मात्रा में। लेकिन जो एसिड कैसीन होती है उसमें क्या होता है कि CO2 की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है कंपैरिजन अगर फ्रेश क्रीम करेंगे एसिडिटी क्रीम में। और बिकॉज एसिडिटी क्रीम का ही न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो एसिडिटी क्रीम में CO2 भी ज़्यादा है और न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं और ड्यूरिंग टाइट्रेशन जब करते हैं तो हाई एसिडिटी शो करती है। एंड अगर सुटेबल की बात करें, जिसके साथ CO2 रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम बाइकार्बोनेट अगर यूज़ करते हैं, न्यूट्रलाइज़र, तो क्या होगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो ओवर न्यूट्रलाइजेशन शो करने लगता है, मतलब एसिडिटी जो है वो ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए क्रीम का न्यूट्रलाइजेशन करना आसान नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एसिडिटी बढ़ गई है तो उसको बाकी प्रोडक्ट की तरह उसकी एसिडिटी कम करके उसका यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कंजप्शन के लिए दे सकते हैं। ये CO2 का रोल होता है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारजाइम इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाई। मारजाइम जो है ये एक एंजाइम है और प्रोड्यूस्ड बाई, मतलब किससे प्रोड्यूस होता है, तो मारजाइम होता है ये प्रोड्यूस होता है म्यूकोरेमेई। और ये है क्या, म्यूकोरेमेई क्या है, ये फंगल स्पीसीज राइजोम्यूकर है, म्यूकोरेमेई, एंड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कोगुलेंट ऑफ माइक्रोवियल ऑरिजिन। ये जो राइजोम्यूकर मिकेई है, ये कोगुलेंट जो माइक्रोबियल कोगुलेंट हैं उनका एक ग्रुप होता है और इससे प्रोड्यूस क्या होता है, मारजाइम, जो कि एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्किंग ऑफ द मिल्क पाउडर प्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज। जो मिल्क पाउडर प्लांट होता है वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, मिल्क पाउडर प्लांट के लिए वर्किंग के लिए बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इनमें से कौन होता है, मेंटेनेंस ऑफिसर होता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर होता है, या इंचार्ज ऑफ द प्लांट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेंटेनेंस ऑफिसर जो रहेगा वो सिर्फ मेंटेनेंस देखेगा और बाकी सारी चीज़ें कौन देखेगा, तो मेंटेनेंस गलत है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल को देखा। एंड इंचार्ज ऑफ द प्लांट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, बिकॉज इंचार्ज रहता है जो प्लांट का, वो पूरी
पूरी जो व्यवस्था होती है उसकी ही देख रेख करता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है इन द वर्किंग ऑफ मिल्क पाउडर प्लांट इज इंचार्ज ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बाई ए प्लांट सुपरवाइजर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बाई ए प्लांट सुपरवाइजर, जो प्लांट सुपरवाइजर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए क्या क्या है, इनमें से क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड हाइजीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन एंड मैन पावर, प्रोसेस पैरामीटर एंड क्वालिटी एट ईच लेवल। तो जो प्लांट सुपरवाइजर होता है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लीनलीनेस भी होना चाहिए, जैसे कोई भी प्लांट है तो उस पर सैनिटेशन हाइजीन क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना है, और जो वर्किंग एफिशिएंसी है, मशीन एफिशिएंसी है, मैन पावर जो है वो उनको भी देखना चाहिए, एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रोसेस के पैरामीटर्स क्या हैं, वो जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी ईच लेवल, मतलब जब प्रोडक्ट बन रहा है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो सही से सब कुछ हो रहा है या नहीं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव पॉइंट, मतलब ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं व्हाट कंसिडर बाय अ प्लांट सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सुगर्स आर हीटेड विद मिल्क प्रोटीन्स, जब सुगर जो है मिल्क प्रोटीन के साथ गर्म किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या कोई इफेक्ट नहीं होता है, या उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दे डेवलप ब्राउन कलर। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दे डेवलप ब्राउन कलर। जब सुगर को मिल्क के साथ, मिल्क प्रोटीन के साथ हीट करेंगे तो वो डेवलप करता है ब्राउन कलर, और ये होता क्यों है, उसका मतलब ये पर्पज़, ये ब्राउन कलर जो है वो हो क्यों जाता है, सुगर जब सुगर को जब गर्म करते हैं प्रोटीन के साथ, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिल्क सुगर, जो सुगर रहता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके वो डेवलप द ब्राउन कलर, एंड ये जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। मतलब जब हीट से सुगर और प्रोटीन का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन, या क्वेश्चन कभी कभी घुमा के भी पूछ लेते हैं कि मिलार्ड रिएक्शन इज़ अफेक्टेड बाय, या फिर मतलब किससे होगा, तो हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट में यूजली सभी प्रोडक्ट में हीट ट्रीटमेंट में मिलार्ड रिएक्शन होता ही होता है, बिकॉज जो मिल्क सुगर है वो भी प्रेजेंट होती ही है एंड मिल्क प्रोटीन भी, और अगर सुगर ऊपर से भी ऐड कर रहे हैं तब भी जो अमाइनो एसिड हैं वो सुगर के साथ रिएक्शन करके ब्राउन कलर डेवलप करते हैं। तो व्हेन सुगर आर हीटेड विद मिल्क प्रोटीन्स दे डेवलप ब्राउन कलर, एंड दिस इफेक्ट कॉल्ड मिलार्ड इफेक्ट या मिलार्ड रिएक्शन, ड्यू टू मिलार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लैक्टेट कंटेंट इन होल मिल्क पाउडर एज पर FSSA स्पेसिफिकेशन। मैक्सिमम लैक्टेट कंटेंट जो है होल मिल्क पाउडर में है, वो एज पर FSSA, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, 2006 से वर्क कर रहा है, एंड ये इसका जो स्टैंडर्ड है वो PFA को ही, जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था उसको ही फॉलो करता है, बट ये जो इन्होंने FSSA ने कुछ स्टैंडर्ड चेंज किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि FSSA कब पास हुआ है, तो 2006 में, और मैक्सिमम लैक्टेंट कंटेंट होल मिल्क पाउडर में जो है एज पर FSSA स्पेसिफिकेशन, तो वो निल होता है, मतलब नहीं होता है, और FSSA का ये स्टैंडर्ड है लैक्टेट के लिए। और अगर PFA की बात करेंगे तो PFA का स्टैंडर्ड है WMP के लिए, होल मिल्क पाउडर के लिए, मॉइस्चर नॉट मोर देन 5% एंड फैट नॉट लेस देन 26% एंड टोटल एसिडिटी नॉट मोर देन 1.2% एंड SPC नॉट मोर देन 50,000, एंड ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है FSSA फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट
2006 एंड जो फसाई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना FSSA की अंतर्गत हुई है और फसाई का कब है 2011, फॉर्म अगस्त 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बैक्टीरियल काउंट इन 0.1 ग्राम स्वीट एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड कंडेंस्ड मिल्क एज पर FSSA स्पेसिफिकेशन इज। मैक्सिमम बैक्टीरियल काउंट जो है 0.1 ग्राम स्वीट कंडेंस्ड मिल्क एंड जिसका ट्रीटमेंट किया गया है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कंडेंस्ड मिल्क, उसमें जो है एज पर FSSA स्पेसिफिकेशन, तो इसमें बैक्टीरियल काउंट जो है वो कितना होगा और किसके अकॉर्डिंग, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, तो वो है ऑप्शन बी नहीं होंगे नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज फॉर्म ब्राउन पिगमेंट वाई रिएक्टिंग विद, ये लैक्टोज फॉर्म ब्राउन पिगमेंट वाई रिएक्टिंग विद लैक्टोज, अभी बताया ना जो मिलार्ड रिएक्शन वही है लैक्टोज, जब ब्राउन कलर या ब्राउन पिगमेंट जो डेवलप करता है तो किसके साथ रिएक्शन करके करता है, तो प्रोटीन नहीं, इसमें पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड भी ऑप्शन है, तो पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड, लेकिन जब प्रोटीन रहेगा पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड नहीं रहेगा तो आपको टिक करना है प्रोटीन के साथ। तो लैक्टोज जो है वो डेवलप करता है मिल्क शुगर, डेवलप करता है ब्राउन पिगमेंट या ब्राउन कलर वाई रिएक्टिंग विद मिल्क पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड, और प्रोटीन भी है, तो ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रोटीन एंड पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड, लैक्टोज फॉर्म ब्राउन पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, PER वैल्यू ऑफ केसिन इज अप्रॉक्स, केसिन की जो PER वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है, तो केसिन की PER वैल्यू होती है 2.50 एंड PER वैल्यू क्या होती है, PER वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंजप्शन करते हैं, जैसे एडिबल केसिन का कंजप्शन किया है तो हमारी बॉडी उसमें से कितना प्रोटीन जो है वो ले पा रही है, सही में उसका यूज़ हो पा रहा है, तो वो होता है PER वैल्यू एंड उसका स्टैंडर्ड क्या है कि 2.5 मिनिमम स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर अगर PER वैल्यू है तो इसका मतलब है कि जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, जैसे केसिन का कंजप्शन कर रहे हैं तो वो अच्छा है, उसमें प्रोटीन मतलब अच्छा सोर्स है, हम लोग अच्छे से ले रख पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट, PER वैल्यू ऑफ घी रेसिड्यू की PER वैल्यू क्या होती है, तो घी रेसिड्यू की जो PER वैल्यू है वो है 0.66, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।